1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद हुई देश की सारी कौमें। लेकिन साल 2011 सबसे अहम रहा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया जिसमें ये पता करना था कि 70 सालों में इंडियन मुस्लिम की क्या स्थिति है। रिपोर्ट चौंकाने वाले थे। मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ी हुई कौम पाई गई। इसका स्थान दलित कम्युनिटी से भी नीचे था। सबसे हैरान करने वाली बात थी मुस्लिम लड़कियों का एजुकेशनल ग्राफ, जो सारी कम्युनिटी की लड़कियों के मुकाबले सबसे कम था। ओनली 51%, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और लोग भी हैं जो इस बदहाली को बदलने और मुस्लिम लड़कियों को एम्पावर करने के लिए मजबूत कोशिश कर रही है। इन्हीं में से एक नाम है द पॉलिसी टाइम्स, जो कि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। रिसर्च, इवेंट्स और मीडिया रिलेटेड और खासकर देश में बन रही नई पॉलिसी पर गहराई से काम करती है। नागपुर का एक मोहल्ला है मोमिनपुरा, जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। यहां लड़कियों में पढ़ने का रुझान भी पाया जाता है। अकरम हक, फाउंडर एडिटर द पॉलिसी टाइम्स, और सलमान अहमद, जो पॉलिसी टाइम्स के को फाउंडर हैं, उन्होंने इसी टैलेंट को नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। हर इंसान को ऑलमाइटी क्रिएटर से इंस्पिरेशन मिलता है। ऑलमाइटी क्रिएटर ने हमको इंसानियत के लिए भेजा है, और द पॉलिसी टाइम्स फाउंडेशन में मैंने और अकरम हक साहब ने यही सोचा कि क्यों ना ओवरऑल होलिस्टिक एम्पावरमेंट पे काम करें वुमन के। और वुमन इन इंडिया का हम अगर देखें तो GDP में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेनस्ट्रीम इकोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सोशली कल्चरली एडुकेशनली इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके सारे रीजन और चैलेंजेस ये हैं कि ये खुद ही सोशली एडुकेशनली अपलिफ्टेड नहीं है, और इसके बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं। आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब तक सोसाइटी की जो सबसे अहम बैकबोन है वुमन, वो अगर आत्मनिर्भर नहीं रहेगी तो। इसीलिए मैंने अकरम साहब ने हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे ऑब्जेक्टिव और ऐसे मिशन को उठाएं जहां हम इनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने की बात करें। तो हमने क्या शुरू किया कि हम खुद ही एक स्टार्टअप है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा रिस्क लेके हमने बहुत सारे बैकवर्ड कम्युनिटी के हमारे बच्चियों को लिया, और हमने जब चुना तो उसमें लड़कियों को ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि हमने सोचा कि गर्ल्स को अगर हम ट्रेन करके एम्पावर करेंगे तो उससे दुगना समाज में चेंज, पॉजिटिव चेंज आएगी। आज सोशल और डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर कोई आज इससे जुड़ा हुआ है, फिर मुस्लिम लड़कियां इस हुनर से दूर क्यों रहे। यही सोच के साथ पॉलिसी टाइम्स के अंडर और सलमान साहब की रहनुमाई में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंप रखा गया, जहां लड़कियों को सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड से एजुकेट किया गया। पॉलिसी टाइम्स फाउंडेशन में हमने रिसर्च एनालिसिस जब किया तो हमने ये पाया कि ग्राउंड जीरो पे रियलिटी कुछ और है, और यूनाइटेड नेशन का भी अपना एक गोल है वुमन एम्पावरमेंट को लेके, वुमन ऑटोनॉमी को लेके, लेकिन वो सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ही मिनिमम हमको दिखती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया और आत्मनिर्भर भारत के इंस्पिरेशन को हमने लिया, और हमने कोशिश किया कि हम हमारी वुमन को, हमारी गर्ल्स को होलिस्टिक डेवलपमेंट किए ताकि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली प्लस टेक्नोलॉजिकली ये लोग एम्पावर हो। सबसे पहले सेशन स्टार्ट हुआ था लिटरेटर से, हमें लिटरेटर्स के बारे में जो साहित्य है वो उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। एज अ जैसे आर्टिकल होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और जैसा अभी अभी कंपनीज खुली है डिजिटल की, तो वहाँ पर वीडियोस वायरल होते हैं, उन लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, उन किस बारे में होता है, कैसा होता है, वो सब कंटेंट जो होता है वो लिटरेटर्स के से कनेक्टेड है। मैं सोशल मीडिया की टीम से हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, FB, गूगल प्लस, ये सब प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं, और बाकी मीडियम, ब्लॉगर और कोरा, SEO पे हम बैकलिंकिंग करते हैं। चेंजेस ऑब्वियसली आए हैं, जो बच्चे आज वेबसाइट पे काम कर रहे हैं,
इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं, लाइक्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, और जो एक साल पहले बात भी नहीं कर पाते थे, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते थे, तो काफ़ी इसको हम टेंजिबल रिजल्ट बोलते हैं, ऐसे चेंजेस जो रिमार्केबली देखे जा सकते हैं, जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जो भी आप पौधा लाते हैं, किसी में फूल खिलते हैं, किसी में फल लगते हैं, किसी में सिर्फ पत्ते रहते हैं, बच्चे भी इसी तरह से होते हैं। हर इंसान में अपनी खूबी होती है। माँ बाप अक्सर बैठ जाते हैं खुद अपना बताने के लिए, ये है, आप उसको बच्चे को खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब वो एक अपना खुद करेगा एक्सप्लोर कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझमें क्या खूबी है, और पेरेंट्स का उन पे नहीं रहेगा, आपको सपोर्ट करना है उनको, आपको उनको हौसला देना है, आपको उनकी हिम्मत बनना है, पर उनको उस तरह से डिक्टेट मत करिए। इस काम में कई नामवर लोगों ने अपना कीमती वक्त कंट्रीब्यूट किया है। मुस्लिम समाज में जो मिसकंसेप्शन है बहुत सारी चीजों को लेके, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इनको घर के बाहर निकाल के विद इन इस्लामिक लिमिटेशंस, उनके माँ बाप का जो ख्वाहिश है कि इनको पर्दे के माहौल में रखें, इनके साथ सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल हो, इनको जहाँ भी भेजा जाए वहाँ इनकी डिग्निटी की भी हिफाजत हो, और अगर ये नॉलेज गेन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी इनको प्रैक्टिकली अवेलेबल हो विद अ प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू बी द मदर्स ऑफ कमिंग जनरेशंस विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ मीडिया। हर वो बच्चे जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके स्किल सेट्स बहुत ही वीक हैं और किसी काम को अंजाम देने लायक नहीं है, लेकिन एक स्टार्टअप पूरा रिस्क लेके उनको हमने स्टाइफन में रखे, उनको हमने एक थोड़ा सा इकोनॉमिकली एम्पावर भी किया और हैंड्स ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश। आज के ज़माने में क्या है, बच्चियों को ऐसा है कि लोग पढ़ाने नहीं करते, बाहर निकलने नहीं देते, और आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना, उनके आगे के लिए उनके पैरों पे खड़े कराना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाँ, तो मैंने अपनी बच्चियों को बच्चे को दोनों को बोला, आपको जहाँ तक का पढ़ना है वहाँ तक का पढ़ो, पढ़ाने के पीछे में मेरा हाथ रहेगा, और आप इसमें कामयाबी उठाओ तो उसमें मेरा सर ऊँचा रहेगा। तो हमारा जो पॉलिसी टाइम्स फाउंडेशन है उसका यही मिशन था कि हम माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड कम्युनिटीज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जर्नलिज्म के एक्सपोजर दें, और जर्नलिज्म मतलब सिर्फ पत्रकारिता नहीं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये जो तमाम जो एडवांस जर्नलिज्म के एरियाज हैं उस पर हम ट्रेन करते हैं और उनको अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ रहना चाहते हैं हमारे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, बाद में परमानेंट होते हैं, और जो दूसरी कंपनी में भी जाना चाहते हैं उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करके दूसरे जगह पे भेजते हैं। What is it? This is a search engine optimization. What is search engine optimization? इसका मतलब कि सर्च इंजन कैसे आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, कैसे देखता है। जैसे कि अवेलेबल सर्च इंजन है, जैसे हम गूगल है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन है, तो ये जो सर्च इंजन है उनका हमारी वेबसाइट को देखने का तरीका कैसे होता है, सब चीज़ें गलत है। जैसे कि आप जो भी काम करोगे तो वो सर्वर को मेंशन करके करोगे, सर्वर के साथ करोगे, नेटवर्क को पूरा क्लियर रख के करोगे, आप कोई चीज़ बाईपास नहीं करोगे, आप आइडेंटिटी चेंज करके नहीं करोगे। हमारी एक छोटी सी कोशिश है और हम चाहेंगे कि सारा समाज, बल्कि रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस भी आगे आए और इसको हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करें। रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा आपका इंतजार कर रहे हैं, डिजर्विंग और डिप्राइव लोग बहुत है, और कल डे ऑफ जजमेंट को ऑलमाइटी क्रिएटर भी हमसे सवाल पूछने वाले हैं, क्यों ना सवाल की तैयारी की जाए मिलकर। वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट देश की बड़ी जरूरतों में से एक है, और उतनी ही जरूरत है द पॉलिसी टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म और सलमान साहब
अकरम हक जैसे लोगों की, जो लड़कियों को अंधेरों से निकालकर जमाने की रफ्तार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की मूवमेंट और मिशन को जिंदा रखने के लिए न सिर्फ हमें इनसे जुड़ना होगा, बल्कि हर एतबार से साथ देना होगा, और तभी हमारा बेहतरीन समाज और उज्जवल भारत का ख्वाब पूरा होगा। जय हिंद।